हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड आभा पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, जिससे कि आप झारखंड बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है 2024 में, उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोग ला सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो अच्छे से, आगे वाले जितने भी टाइम बचा हुआ है, आप, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो क्या क्या करना है, सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट बार इस चैनल से आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरह की वीडियोज़ आएंगी और साथ में जितने भी वीडियोज़ आएंगे अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलना। तो आगे की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कौन से तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका मार्क्स अच्छा आ सके। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आगे की जितनी भी टाइम बची हुए हैं, कैसे आपको सारा चीज़ करना, वो तो आगे मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तभी जाके बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। डिसिप्लिन से ही आप अपने गोल पा सकते हो। अपने एक खेल खेलता है, जब खिलाड़ी जब टीम में खेलते हैं तो कभी टीम वही जीतती है जो डिसिप्लिन से खेलती है। तो टीम वर्क सारा, जो टीम जीतती है गेम में, गेम भी जहाँ तक होता है वो भी आपका डिसिप्लिन से ही जीता जाता है। वही उसी तरह से अगर आपको एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है, तो इसे भी आपको एक डिसिप्लिन के तहत खेलना होगा, उसे डिसिप्लिन के अंदर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो देखिए, मैं आगे के वीडियो में, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे आपको डिसिप्लिन रखना है और अपना अच्छा मार्क्स लेकर आना, वो सारा चीज़ बताऊँगा, और कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, वो काम आप लोग कर लीजिए। इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि रूटीन आपका कैसा होना चाहिए। अभी मैं बताऊँगा कि तैयारी कैसी करनी है, लेकिन रूटीन सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि कैसा आपका रूटीन होना चाहिए। अभी तक अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लेना। अभी इस वीडियो को देखने के बाद यही वीडियो आप लोग को जाके देखना है। सबसे पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यही वीडियो जाके देखना है। इस वीडियो के बाद इसको कैसे देखना है वो अभी मैं बता दूंगा, कैसे सर्च करना है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिए, और यही कॉपी का जो रूटीन है वही फॉलो आपको करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको कैसे दिखेगा और कैसे आपको मिलेगा। तो देखिए, वीडियो कैसे सर्च करना मैं बता दे रहा हूँ। यूट्यूब आप लोग जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे सर्च वाला में, देखिए यहाँ पे सर्च वाला में आप लोग को सर्च करना है। देखिए यहाँ पे सर्च दिख रहा है ना, यहाँ पे सर्च करना है। देखिए कैसे सर्च करना है, क्या लिख के सर्च में जा रहा हूँ, और यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए क्या लिखना है, लिखना है बोर्ड एग्जाम, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखेगा, बोर्ड एग्जाम रूटीन, RUTIN, स्पेलिंग लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम रूटीन, बोर्ड आभा, क्या लिखना है, बोर्ड BORD, बोर्ड आभा, AABHA, जरूर से जैसे मैंने लिखा है वही आप लोग को सेम लिखना है। देखिए बोर्ड एग्जाम रूटीन बोर्ड आभा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको लिख के सर्च करना है। और जैसे ही सर्च करोगे, देखो यहाँ पे लिख के मैं सर्च कर दे रहा हूँ, और जैसे ही सर्च करोगे आपको सबसे पहला वीडियो आपको इसी पर मिल जाएगा। देखिए ये आपको सबसे ऊपर वाला वीडियो ही मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दिनचर्या बोर्ड एक परीक्षा में मार्क्स बढ़ा देने वाला टाइम टेबल। ये वीडियो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं रूटीन नहीं बताने वाला हूँ, वो वाला से रूटीन आप लोग अपना बना लीजिए, और आगे मैं यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में किस तरह का पैटर्न में किस तरह से मेहनत आपको करना है। तो चलिए वीडियो को आगे आप लोग पूरा देखिए। सबसे पहली बात, आप लोग सोच रहे हो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है और ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का है, तो आपके मन में यही आ रहा है कि सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुनिए, मेरी बात समझिए आप लोग, 9 से 10 नंबर का आप लोग का जो शॉर्ट ला रहा है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वो आपको सिर्फ आंसर लिखना है, वेरी शॉर्ट टाइप। वो क्या है ना, वो भी मैं ऑब्जेक्टिव में ही जोड़ूंगा, ये ऑब्जेक्टिव ही मान के चलिए। जब पूछ रहा है एक मतलब वर्ड में आंसर देना है, जैसे कोशिका हो गया या किसी का फॉर्मूला पूछ गया, तो आपको लिखना है PV = NRT। तो ये सब जो फॉर्मूला लिखना है ये एक लाइन का है, तो हम ये आपको शॉर्टकट ही मांगेंगे, ये हम आपको ऑब्जेक्टिव ही मानेंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ऑब्जेक्टिव का 30 और +10 40 मार्क्स का आप इसको मानकर चले, और यहाँ 10 नंबर कम हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग का सब्जेक्टिव 40 नंबर का है और ऑब्जेक्टिव भी 40 नंबर का है, मतलब 50-50 है। तो आप लोग को दोनों पर बराबर ध्यान देना है, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव पर कम देना ध्यान देना है, सब्जेक्टिव में ज़्यादा, या सब्जेक्टिव में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में कम, दोनों को कैसे तैयारी करना है पूरे तरीके से, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। और जो जो मैं अच्छी चीज़ें बताते जा रहा हूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, तो आप लोगों को काम देगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि सेक्शन ए में आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 मार्क्स हो गए, और सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मतलब अति लघु, वो 9 क्वेश्चन हो गए 9 मार्क्स के, ये 1-1 मार्क्स के रहेंगे, देख लीजिए अति लघु आएंगे, ये 9 मार्क्स के आएंगे, ये दोनों को मैंने गिन लिया है एक ही में। आगे देखिए सेक्शन सी में लघु उतरिए,
लघु उत्तरीय कैसे लिखना है वो सारा चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। 7 क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 नंबर के, 21 मार्क्स के, 3-3 नंबर वाले 21 मार्क्स। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप 4 क्वेश्चन से 5-5 नंबर वाले 20 मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स हो गए। तो चलिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे ये आपको मैंने धीरे से बता दिया, समझा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट हमने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया, ये स्लाइड्स देखते चलिए आप लोग। अब ये देखिए 80 मार्क्स और 20 मार्क्स, 80 मार्क्स आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उससे 40 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपको स्कूल असेसमेंट से। देखिए ध्यान से सुनिए, 80 मार्क्स आपको एग्जाम में लाने हैं, और जो जो पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है क्लास 12th वाले बच्चों का, वो वाला सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सारे पेपर इसी तरीके से हिसाब से तैयार आपको करना है, मतलब मेहनत करना है। 1-2 नंबर 70 नंबर वाले में क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन सिर्फ कम रहेगा। आगे देखिए 80 मार्क्स और 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको स्कूल वाला से मिलेगा। अभी 80 वाला में मैंने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को एक ही में जोड़ दिया, अभी मैंने बताया ना 30 और 10 लगभग 40 मार्क्स में इसी को मान लेता हूं, और शॉर्ट टाइप मतलब कि आपका हो गया लघु प्रश्न 21 मार्क्स के, और मतलब कि लंबे वाले प्रश्न जो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी 20 मार्क्स। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 21 और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 20, और इधर मैंने ऑब्जेक्टिव आपका 20 नंबर का, ये 10 नंबर का, 30 और ये 10, 40 नंबर का ये मैं मान लिया हूँ। यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करना है इसके लिए मैं इस तरह से स्लाइड बनाया हूं। अब आगे देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे तैयारी करना है, तो ऑब्जेक्टिव में स्कोर कैसे करें, 40 मार्क्स का आपका आ रहा है, 50 मार्क्स 50% आपका मार्क्स इसी में आ रहा है, 80 में 40 नंबर इसी में आ रहा है, मतलब आधा मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो क्या करना है, मॉडल पेपर पिछले साल के आपको सारे कर लेने ऑब्जेक्टिव के, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात है जो मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग कर लीजिए, है ना। लास्ट ईयर का अगर नहीं करते हो तो चलता है, लेकिन उसके पिछले जितने भी सालों का हो सकता है कर ही लीजिए ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग सारे कर लीजिए। और एक चीज़ और, बुक के जितने भी बोल्ड लेटर हैं, बुक में देखे होंगे कि कुछ कुछ लेटर आपके बोल्ड करके काला में ज़्यादा रहते हैं, वो वाला पॉइंट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और फॉर्मूला ध्यान से सुनना, फॉर्मूला जरूर कर लेना, फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला एकदम ऐसा रट जाओ ना कि फॉर्मूला में आपको दिक्कत ना हो, फॉर्मूला आप लोग अच्छे से कर जाना, बहुत कोई को फॉर्मूला में दिक्कत होता है, उसके कारण दिक्कत हो जाता है, तो फॉर्मूला आप लोग देख लेना, फॉर्मूला से भी आप लोग के मार्क्स आ जाएंगे। और एक चीज़ मेरे यहाँ पर छोड़ दिया है, गेस पेपर, गेस पेपर भी आप लोग कर लेना, गेस पेपर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गेस पेपर भी आप लोग कर लेना, गेस पेपर मैं यहाँ लिख देता हूँ, गेस पेपर जरूर करके आइएगा, ठीक है। गेस पेपर में भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो भी कर लेना है आप लोग को। भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हो तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा, डेफिनेटली अच्छा आ जाएगा। अगर आप लोग कर पाते हो तो आप लोग NCERT के क्वेश्चंस पेपर में जो आप लोग को जो मेन पॉइंट लगता है वहाँ पे हाईलाइट किए होंगे तो अच्छी बात है। जो बच्चे कर चुके होंगे वही, जो नहीं किए हैं ना वो बस इतना ही कीजिएगा, बस NCERT बुक नहीं छूइएगा, इतना सारा चीज़ आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, बोलिएगा कि सर कैसे करेंगे हम लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए लघु उत्तरीय आपको 5 से 7 लाइन में आंसर देना है, ध्यान से सुनिएगा, 5 से 7 लाइन में इसको आंसर देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कितना लाइन में, 5 से 7, कोशिश कीजिएगा 7 लाइन में आप आंसर लिख दीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल जाइए। कुछ कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें 10 लाइन लिख दिए, तो उससे क्या होगा ना कि बाद में आपका टाइम का लॉस होगा और आप नहीं बना पाओगे, इसलिए 7 लाइन से ज़्यादा ना जाएं, 7 लाइन आपका कंप्लीट हो जाता है, आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आप आगे जाएं, नहीं तो आपका टाइम इसी में चला जाएगा, क्योंकि जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है ना वो आपको ज़्यादा वहाँ पे लिखना पड़ता है, तो वो आपके, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग यही कीजिएगा, जल्दी से जल्दी सब सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय वाला में आपको टाइम मिल सके। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ कि लघु उत्तरीय का प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए क्या क्या करना है, 5 से 7 लाइन में आंसर देना है, फॉर्मूला पर प्रश्न देख लें, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्मूला पर भी पूछ लिया जाता है। तो 12th वाले बच्चे और 10th वाले, विज्ञान का पेपर हो गया और आपका जो 12th वाले बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हो गया, मैथ्स का हो गया, फॉर्मूला पर प्रश्न ज़्यादा रहता है इसमें। और सोशल साइंस की बात करें 10th का, तो जो आप लोग का बेसिक जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, गेस पेपर है, ये सारे करने हैं, ये सभी को करना है, 10th और 12th वाले सारे बच्चों को। फॉर्मूला वाला प्रश्न समझ में आ गया किस में आता है, मैथ्स में आता है, साइंस में आता है, और 12th वालों बच्चों का फिजिक्स
केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में आते हैं। तो फॉर्मूला वाले प्रश्न आप लोग को देख लेने हैं। और प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, मॉडल पेपर से कर लेना है, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर जो आपको मैंने बताए हैं कि हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। वहाँ पर मैंने बहुत सारा PDF डाला है मॉडल पेपर का, सॉल्व कर ले। तो मॉडल पेपर कर लेना है पिछले साल के, इस साल का नहीं भी करोगे तो पिछले साल का ज़रूर कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से आप लोग दोहरा लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोहरा लोगे बहुत फ़ायदा रहेगा। गेस पेपर, जो गेस पेपर कोई भी अगर आप अच्छा लिए हो पब्लिकेशन का, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ये लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं से करें, यहीं से जितना मैं बता रहा हूँ बस इतने ही आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न करके चलना है, आपका अच्छा मार्क्स डेफिनेटली आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बोलोगे सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आने वाले हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितना हो गया 20 मार्क्स। तो इसके प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न ज़्यादा डेरिवेशन वाले होते हैं। अगर आप विज्ञान में देखे होंगे तो आप लोग को पूछेगा आर्मेचर वाला प्रश्न आता है ना, जो आपका चुंबक वाला रहता है कि दोनों तरफ आर्मेचर बैठा दिया जाता है, मोटर विद्युत मोटर, ये सब सारे प्रश्न आपके आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लें, और भी बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चंस आपके हैं। फिर ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 12th वाले बच्चे आप लोग जान रहे होंगे कि डेरिवेशन वाले, जैसे लेंस में आपको कुछ टेलीस्कोप वाला जो आप लोग का फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, और भी जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये वाले प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप में आ जाते हैं। 4 क्वेश्चंस हैं तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। टेंथ के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया विद्युत मोटर हो गया, विद्युत घंटी हो गया, उसके अलावा आपके सारे चैप्टर में जैसे पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो आप लोग का डायग्राम बनाया हुआ है वो डायग्राम बनाकर आपको आंसर लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन डायग्राम बना के लिखना है। बोलोगे सर कितना लाइन में लिखना है, तो 5 प्रश्न का क्वेश्चन है तो 12 से लेकर 13 लाइन में आप लोग आंसर इसका दे सकते हो। कितना, 12 से 13 लाइन। अगर आप लोग को टाइम बच जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, जितना अच्छा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा, तो आप लोग 15 लाइन भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, ये 10th वालों को बता रहा हूँ, 12th वाले बच्चों को ज़्यादा लिखना है। 10th वाले बच्चे 15 लाइन लिखेंगे और 12th वाले बच्चे हो सकता है तो 20 लाइन भी आप लोग को लिखना पड़ सकता है इसमें। कितना, 20 लाइन। तो 20 लाइन भी लिखने के लिए तैयार रहिए, और साथ में प्लस में फिगर जरूर बना लीजिएगा। क्या फिगर, FIG फिगर जरूर बनाइएगा इसमें, ज़्यादा मार्क्स अगर आपको लाना है तो फिगर मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग इसमें बना लेना, आप लोग के अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। और अच्छे से लिखना, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आपका स्कोर होता है और उसी में कटता भी है, तो सबसे ज़्यादा इसी पर ध्यान देना। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा है प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर से आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं उसको बार बार बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जो पिछले साल आ चुके हैं, और गेस पेपर, ये 3 चीज़ आप लोगों को करनी है। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और गेस पेपर, ये मैंने 3 चीज़ों में बताया है। तो इस तरह से करके आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। अब आगे आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे आप अपना रिविज़न करना है, कैसे हार्डवर्क करना है, चलिए मैं आपको तो देखिए बच्चों मैं आप लोग को बता दूँ। सबसे पहला आप लोग को मैंने बताया सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं मानूंगा रूटीन। तो रूटीन कैसे आप लोग को देखना, वो रूटीन वाला वीडियो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से मिलेगा, ये जरूर देख लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ रूटीन वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लें आप लोग, वो आप लोग को देखना मस्ट है। कैसे सर्च करना मैंने वीडियो में बता दिया है। आप लोग ना आलस करते हो, वो वीडियो देखो और उसको फॉलो करो। एक बार रूटीन लिख तो लो देख देख के वीडियो में कि कैसे मैंने रूटीन बताया है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। देखिए आप लोग क्या सोचते हैं, अकेले पढ़ेंगे, अकेले कोई चीज़ नहीं होता है। ध्यान से सुनना हमारी बात, कोई बच्चा अगर आपका कोई दोस्त है 70% लेकर आया है और आप भी 72% लिखा है, लेकिन दोनों साथ में प्रिपरेशन करते ना तो दोनों का 80% आता। पूछो कैसे, आप लोग जब दो या तीन दोस्त ज़्यादा दोस्तों का ग्रुप ना बनाए, 2 से 3 दोस्त का अगर ग्रुप बनाते हो और अगर डेली बोलते हो कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो जब सुनिएगा कि मेरा दोस्त जब ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको भी मन करेगा, डर लगेगा कि हम भी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये वाला जो रूटीन मैं बता रहा हूँ उसको रूटीन के शेयर कीजिए, साथ में मेहनत कीजिए, कोई भी चैप्टर का डिस्कशन कीजिए कि ये वाला चैप्टर मैंने कर लिया। मैं इसी तरह से करता था, मैं आपको बता दूँ, और इसीलिए आज हमारे 100 मार्क्स भी मैथ्स में, ठीक है, और अच्छा परसेंटेज भी मैंने लाया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को ये सारा चीज़ फॉलो भी करना है। तो आप लोग सुनते नहीं हो, अपना ग्रुप बनाए, अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाए जो पढ़ने वाले हैं, 2 से 3 दोस्तों का, फ्रेंड्स होने चाहिए आपके। ये वीडियो आप उनको शेयर भी कर सकते हो, और चैनल से पहली बार जुड़े ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ये 2-3 फ्रेंड्स वो रूटीन फॉलो जरूर करें। रूटीन मैंने बता दिया कि कौन सा रूटीन आप लोगों को फॉलो करना है, कैसे वीडियो खोजना है, रूटीन आप लोगों को देख लेना है, 2-3 दोस्तों को वो रूटीन फॉलो भी करना है।
वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, उनको आप लोग को नहीं छोड़ना है एग्जाम में। ध्यान से सुनिएगा, नहीं छोड़िएगा। नहीं भी आता है ना तो आप अपने से बना के कुछ भी तरीके से आंसर जरूर दीजिएगा। वहाँ पर मार्क्स अगर आपके 5 मार्क्स अगर नहीं बनाते हो तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भी लिख देते हो तो 2 नंबर मिल ही जाता है। वो क्वेश्चन किसी को नहीं छोड़ना है और वो रूटीन आप लोग को तो फॉलो करना ही है। तो ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोग के स्कोरिंग होते हैं वो आप लोग को नहीं छोड़ना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोग के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सबसे इजी यही होता है स्कोर करना। 5 मार्क्स में अगर आप लोग अच्छे से लिख देते हो तो 5 में 4 या 4.5 आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। 4.5 तो दे ही देते हैं, और अगर फिगर बना के बहुत अच्छे से लिखते हो तो 5 में 5 भी देते हैं टीचर्स। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मेहनत करने हैं। और इसके अलावा फिर एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आप लोग को मैंने बता दिया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉडल पेपर, गेस पेपर और उससे। और एक चीज़ मैं आप बताना चाह रहा था आप लोगों की, गेस पेपर से भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि वो आप लोग एक तरह से कंपाइल करके देता है। क्या कंपाइल करके देता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ में मॉडल पेपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। तो वो आप लोग गेस पेपर जरूर कर लें। अब आप लोग क्या क्या कैसे नंबर आएगा, तो देखिए रूटीन फॉलो करनी है, लास्ट में बता रहा हूँ। आप लोग को हार्डवर्क करना है, दिन भर लगे रहना है, ये सारा चीज़ आप लोग को करना है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हार्डवर्क करना है, साथ ही साथ पूरा लिखने के बाद लीजिएगा, हार्डवर्क करना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, रिवीजन आप लोग को कम से कम 3 से 4 टाइम्स कोई भी चीज़ का कर लेना है। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 क्वेश्चन भी आप लोग सेलेक्ट कर लेते ना लॉन्ग टाइप में, वहाँ से भीड़ जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मैं तोड़ बता रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उसका रिवीजन 3 से 4 टाइम आप लोग कर लें, आप लोग के मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आएंगे। और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना तो इतना आसान है ना कि आप लोगों को मॉडल पेपर, गेस पेपर वो सारा चीज़ से कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारा आपको आप लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आप लोग बोलते हैं ना, इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना। और शॉर्ट टाइप मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टाइप फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बोल्ड लेटर में लिखे रहते हैं ना, काला काला बोल्ड, वो वाला पॉइंट जरूर पढ़ लेना एनसीईआरटी से, बोल्ड वाला लेटर जो लिखा हुआ रहता है वो आप लोग को गेस पेपर में मिल जाएगा। तो नहीं भी खोजोगे तो वहाँ पे आप लोग को ये कंप्लीट हो जाता है। गेस पेपर में और मॉडल पेपर कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट ही हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि एग्ज़ाम में आप लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, और जिसके कारण लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस अच्छा से नहीं बनता है, यही आपका स्कोर करता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 7 लाइन से ज़्यादा ना लिखें, और अगर 12th के बच्चे हैं तो 8 से 9 लाइन, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं जाना है। और जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स वाला, उसको आप लोगों को कितना लाइन में मैंने लिखने बताया, 12th 10th वाले बच्चे 12 से 15 लाइन, और वही 12th वाले बच्चे कितना लिखेंगे, 15 से 18 लाइन, बस 18 से 20 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाइन लिखिएगा। 12th वाले अच्छा लगता है 18 लाइन लिखना में, उतना लिख सकते हो, और फिगर जरूर बना देना। तो इस तरह से आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा, ये सारा चीज़ फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मैं बोलता हूँ। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं बताता हूँ कि आप लोग के मार्क्स आएंगे और ज़रूर आएंगे। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। आप लोग को मैंने पेपर वाइज भी डाला था कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं, वो वाला वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जितना कमेंट आएगा उसके ऊपर मैं जरूर से बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप तक को तब तक के लिए धन्यवाद।